Today our topic is line and we want to take. ठीक है11th September 2001 is the darkest day in the history of United States of America. आपको पता है? Yes. United States of America जो है, उसपे अटैक हुई. पहले मैं आपको यूएसए लिख चलता हूँ, ठीक है? हमारा जो ये सेंडको सॉफ्टवेयर है, पहले हम मैपिंग देखेंगे इसमें. ठीक है? This is United States of America. This is chapter क्या है? Washington. तो 9/11/2001 इस पे एक अटैक हुई, ठीक है? Terrorists ने इस पे अटैक की. वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे अटैक हुई. अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ स्लाइड्स सेंकोर सॉफ्टवेयर में. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज 9/11 अटैक और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसका नाम है सेंकोर सॉफ्टवेयर और ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिएट है, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या होगा. 11th September 2001 इट इज द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. व्हाई इट इज डार्केस्ट डे? बिकॉज ऑन 11th September 2001, United States of America was attacked. United States of America were attacked. Who attacked United States of America? Are you getting me? Yes, sir. 19 hijackers. Four commercial planes of United States of America. और जब उन्होंने पहले इन planes को hijack किया, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उन्होंने इन जो ये प्लेन्स को उठाया, उनको हाईजैक किया और इनको क्रैश किया, डैश किया इनटू सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. टू एयरक्राफ्ट्स वायर डैश इनटू ट्विन नॉर्थ एंड साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क. आर यू गेटिंग मी? दो जो जहाज थे उनको टकरा दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां थ्राउट वर्ल्ड जो लोग हैं वो वहां काम करते हैं. आई गेटिंग मी? और इसको क्रैश किया इन टावर से. उसके बाद जो थर्ड एयरक्राफ्ट था दैट वाज क्रैश विद पेंटागन. पेंटागन पता है आपको क्या है? पेंटागन क्या है? डिफेंस डिपार्टमेंट का जो है उसका हेडक्वार्टर है कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो ये थर्ड एयरक्राफ्ट था इसको क्रैश किया किसके साथ? पेंटागन के साथ, जो कहां पर है? अर्लिंगटन वर्जीनिया. आर यू गेटिंग मी? व्हिच इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो जो जो चौथा जो एयरक्राफ्ट था उसको अब इनको क्रैश करना था किसके साथ? यूएस कांग्रेस. कांग्रेस जानते हो किसको कहते हैं? इसको कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पार्लियामेंट था उसका नाम है कांग्रेस. डिफरेंट, जैसे इंडिया में हम पार्लियामेंट कहते हैं वैसे में कांग्रेस कहते हैं. आर यू गेटिंग मी? सो इनको ये पराप्स लोग ये करते हैं, सोचते हैं कि तकरीबन कि इसको इनको टकराना था किसके साथ? यस कांग्रेस. बट इनको पता चला पहले इन्होंने इसको क्रैश किया कहां पर? पेनिसिलिन
वीनियर पेंसिले वीनियर। यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमने 9-11 क्यों लिखा, 11-9 क्यों नहीं लिखा, पता है आपको, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर हम पहले क्या लिखते हैं, अगर हम यहां लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं, 11-9 क्या लिखते हैं, 11-9, मगर यूएसए में क्या लिखते हैं, ये वहां कन्वेंशन है, वहां पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, यहां पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, गेटिंग मी? अब क्या हुआ, जो ये अटैक थी, अटैक में 3000 मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड, 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, वाज इट शॉकिंग, वाज इट शॉकिंग, आर गेटिंग मी? सो इट वाज मोर देन शॉकिंग, आर गेटिंग मी? सो इससे पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मगर अगर हम लॉस जब देखेंगे, ह्यूमन लॉस जो इसमें हुआ, इतना लॉस किसी भी अटैक में नहीं हुआ, इससे पहले दो बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़े अटैक्स की, पहले ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी 1814 में, वाशिंगटन डीसी जो है अगली में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसको जलाया गया, इन्होंने जलाया ब्रिटिशर्स, वो भी शॉकिंग इवेंट माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, मगर इससे ज्यादा नहीं, किससे ज्यादा, जो क्या था 9/11 अटैक, और उससे उसके बाद एक और अटैक हुई थी, जापानीज ने पर्ल हार्बर पे अटैक की थी 1941। अगर हम एज लॉस ऑफ लाइफ देखेंगे तो इससे पहले 3000 लोग किसी भी दिन नहीं मारे गए थे, कहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज इट क्लियर? सो व्हाई दिस अटैक टुक प्लेस, पहले हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी इतनी जो आजकल के जमाने में हेजमोनियस है, हेजमोनियस मींस पावरफुल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे फर्स्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मेंटली सबसे कैपेबल है, आई गेटिंग मी, पॉलिटिकली सबसे स्टेबल है, आई गेटिंग मी, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी, हार्ड एक्सटर्नल हार्ड फॉरेन पॉलिसी, जैसे उसने अटैक किया अफगानिस्तान पे उससे पहले या इराक पे, बहुत सारी कंट्रीज पे, वही वजह है कि टेररिस्ट्स ने इसको अटैक किया, किसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, अब मैं कुछ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने थ्रूआउट वर्ल्ड अगर आप देखोगे इराक पे बाकी चीज, इसलिए इसको अटैक किया, अटैक्स are the twin towers of north and south, are you getting me, of world trade center, are you getting me, begun to sound like some soiled cliche, but really,
September 11th started out like every other day. Buzzfeed Live, KCU, the beat of New York. It's Lawrence Martell on your Feel Good radio station. We're waking up with Whoopi in less than a half hour from right now, and JoJo, too little too late. It's on the table. Do you have any idea where you're headed? No. People at coach think it's a routine emergency. We've asked for a doctor, but none's on board. Can you tell us anything more about the hijackers? Yes. They have knives and mace. They say they have a bomb. How are the people who are stabbed? One flight attendant's okay. I'm not sure. The other may not make it. Oh my God, something's wrong here! What's happening? Hey, Amy, are you still there? We're in rapid descent. We're all over the place. Can you look out the window and tell us where you are? I see water, buildings. We're flying low. We're flying very, very low. Usko pata hai ki ab plane aane wala hai. Usko pata chalta hai. Oh my God! This is one tower. उससे भी खतरनाक माना जाता है या पर हार पर जब अटैक हुई। अब हम देखेंगे जब ये अटैक हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया।
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज हेजमोनियस मिलिट्रीली इकोनॉमिकली कल्चरली एवरी रेस्पेक्ट ऑफ दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्योंकि उसी के जहाज उठाई गई उसी के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ थे उन्हीं से क्रैश कराए गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया उन्होंने कहा कि नहीं अब ये जो काम है ये काम है अलकायदा का किसका एक सबसे बड़ी मिलिट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी उस टाइम अलकायदा जिसका हेड माना जाता था उसामा बिन लादेन और यहाँ पर अफगानिस्तान में जिनका रूल था वो थे तालिबान तालिबान रजीम उन्हीं को इसने रेस्पॉन्सिबल ठहराया किसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिल क्लिंटन पावर में थे अब उसकी टर्म खत्म हो रही हो गई थी अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर आ गए अब इसने हार्डर स्टेप उठाए अगेंस्ट 9/11 अब उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हम करेंगे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन एंड्यूरिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान इन्होंने कहा कि जो उसामा बिन लादेन है वो कहाँ छुपा हुआ है अफगानिस्तान और मुला उमर जो तालिबान रिजीम का हेड था वो भी कहाँ का था अफगानिस्तान तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अलकायदा और तालिबान रिजीम को टारगेट बनाया कहाँ पर अफगानिस्तान बहुत सारे मिसाइल्स बहुत से जो नए स्मार्ट बम उनको यूज किया और बहुत सारे जो ठिकाने थे कहाँ पर अफगानिस्तान में उनको टारगेट बनाया किसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर में तो अगर आप देखोगे बहुत सारे 2001 से अभी भी वहाँ चल रहे हैं जंग कहाँ पर अफगानिस्तान में बिटवीन द नेटो फोर्सेस एंड दीज जो अफगान जो अलकायदा है उनके साथ चल रहे हैं जंग कहाँ पर अफगानिस्तान वॉज होली एंड सोली डिस्ट्रॉयड बाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मकसद क्या था मसला क्या था कि उन्होंने कहा नहीं ये उन्होंने ही किया इन्होंने अफगानिस्तान ने तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके साथ साथ जिस जिस पे शक था अगर कहीं पर किसी पे भी शक होता था उसको लिया उसको जेल लिया एक जगह है जिसका नाम है गंटामो बे क्या नाम है उसका जो कहाँ पर है नहीं यूएसए में नहीं है वो क्यूबा में है कहाँ पर है क्यूबा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक कंट्री अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्यूबा अभी मैं आपको क्यूबा दिखाता हूँ एक मिनट दिस इज यूएसए ठीक है इसी के साथ दिस इज क्यूबा दिस इज यही क्यूबा ठीक है दिस इज क्यूबा क्यूबा में एक नेवी बेस है गेटिंग मी तो नेवी बेस है वहां पर इन्होंने एक जेल बनाई है बहुत ही खतरनाक जेल आई गेटिंग मी तो उसी में जो भी प्रिजनर्स है वर्ल्ड में जो 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 लोग ये लेते हैं और उनको इम्प्रिजन कहाँ करते हैं क्यूबा में क्योंकि उनको वहाँ कोई भी इम्यूनिटी हासिल नहीं है कहाँ पर क्यूबा में अब मैं आपको एक दो पिक्चर्स उसकी दिखाता हूँ नहीं ये मुसलमान थे तकरीबन मुस्लिम जिसपे सस्पेक्ट होता था नहीं इसने किया है उसने किया है आई गेटिंग मी या कोई तालिबान रिजीम के साथ है उन्हीं पे जो जिस जिस पे शक होता था ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबा में ये देखो प्रिजनर्स के साथ क्या किया जाता है दिस इज द हॉरिबल पिक्चर ऑफ क्यूबा ये देखो फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नो सर अभी है थोड़ा सा कंक्लूड कीजिए ना लास्ट में अभी है थोड़ा सा 10 मिनट है अब देखो हाउ टू कंक्लूड अगर हम अब कंक्लूड करेंगे कि जो 9/11 अटैक थी इट वाज वन ऑफ द शॉकिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन द